नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं तान्या यादव हर रोज की तरह लेकर आ गई हूँ दैनिक राशिफल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसा जाने वाला है 12 राशियों के लिए 24 फरवरी यानी कि गुरुवार का दिन। शुरू करने से पहले बता दूं कि ये राशिफल आपकी नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर ही आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। मित्रों या परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती भरी यात्रा आपको सुकून देगी। जो लोग टैक्स चोरी करते हैं आज वो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि टैक्स की चोरी ना करें। आपको खुश रखने के लिए आपके माता पिता और दोस्त पूरी कोशिश करेंगे। आपकी आंखें चमकने लगेंगी और दिल जोरों से धड़कने लगेगा जब आप अपने सपनों के राजकुमार या राजकुमारी से मिलेंगे। हालांकि वरिष्ठों से कुछ विरोध के स्वर सुनाई देंगे, लेकिन फिर भी आपको दिमाग ठंडा रखने की जरूरत है। आज के समय में अपने लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज ऐसा दिन है जब आपके पास अपने लिए भरपूर समय होगा। आपका जीवन साथी बिना कुछ जाने ऐसा खास काम कर सकता है जिससे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आज का आपका शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर स्कूल, हॉस्टल या अनाथ आश्रम में आर्थिक मदद, पुस्तकें या उपयोगी सामान दान करें, इससे आपकी नौकरी व बिजनेस में तरक्की होगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त सावधान रहने का दिन है। बाकी दिनों के मुकाबले आज का दिन आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा और आपको पर्याप्त धन की प्राप्ति होगी। ऐसे दोस्तों के साथ बाहर जाएं जो आपके हालात और जरूरतों को समझते हैं। आप और आपका महबूब आज प्यार के समुंदर में गोते लगाएंगे और प्यार की मदहोशी को महसूस करेंगे। बहादुरी भरे कदम और फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार देंगे। खेलकूद जीवन का जरूरी हिस्सा है, लेकिन खेलकूद में इतने भी व्यस्त ना हो जाएं कि आपकी पढ़ाई में कमी आ जाए। आंखें दिल की बातें बयां कर देती हैं। ये दिन अपने जीवन साथी के साथ इसी भाषा में बात करने के लिए है। आज का आपका शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर सूर्य की धूप घर में आने का प्रबंध करें, यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। जिस तरह मिर्च खाने को लजीज बनाती है, उसी तरह थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी है और तभी हमें सुख की असली कीमत पता लगती है। आज आपको किसी अज्ञात स्रोत से पैसे प्राप्त हो सकते हैं, जिससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरे और शांत दिन का लुत्फ लें। अगर लोग परेशानियों के साथ आपके पास आएं तो उन्हें नजरअंदाज करें और उन्हें अपनी मानसिक शांति भंग ना करने दें। अपने प्रिय की पुरानी बातों को माफ करके आप अपनी जिंदगी में सुधार ला सकते हैं। कामकाज में आ रहे बदलावों के कारण आपको लाभ मिलेगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकाल पाएंगे। खाली वक्त में आज कुछ रचनात्मक कर सकते हैं। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ फिर से आकर्षित महसूस करे। आज का आपका शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर तांबे का कड़ा धारण करें, इससे आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। तनाव से बचने के लिए अपना कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारें। आप बच्चों की उपचार करने की शक्ति महसूस करेंगे। वे आध्यात्मिक तौर पर धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर और भावनात्मक लोग हैं। उनके साथ आप खुद को ऊर्जा से लबरेज पाएंगे। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। आपके व्यक्तिगत मोर्चे पर कोई बड़ी चीज होने वाली है जो आपके और आपके परिवार के लिए उल्लास लेकर आएगी। काफी वक्त फोन ना करके आप अपने प्रिय को तंग करेंगे। दफ्तर में कोई आपकी योजनाओं में अड़ंगा लगा सकता है, इसलिए आंखें खोलकर रखिए और अपने चारों तरफ हो रही गतिविधियों के प्रति सजग रहिए। अगर आप लंबे समय से अपने जीवन में किसी रोचक चीज के होने का इंतजार कर रहे थे तो आपको उसके संकेत आज दिखाई देने लगेंगे। बिन बुलाए किसी मेहमान की वजह से आपकी योजनाएं तो गड़बड़ा सकती हैं, लेकिन आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा। आज का आपका शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल और मेहरून। उपाय के तौर पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इससे आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, हिम्मत ना हारें और इच्छित फल पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। इन नाकामियों को तरक्की का आधार बनाएं। मुश्किल घड़ी में रिश्तेदार भी काम आएंगे। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। जीवन साथी जिंदगी में बदलाव लाने में मदद करेगा। खुद को एक जिंदा दिल और गर्म जोशी से भरा इंसान बनाएं, जो जिंदगी की राह अपनी मेहनत और काम से बनाता है।
साथ ही इस राह में आने वाले गड्ढों और दिक्कतों से दिल छोटा ना करें। आप अनुभव करेंगे कि आपके प्रियक आपके प्रति प्यार वाकई बहुत गहरा है। ऑफिस में आज आपको स्थिति को समझते हुए ही व्यवहार करना चाहिए। अगर आपका बोलना जरूरी नहीं है तो चुप रहें। कोई भी बात जबरदस्ती बोलकर आप खुद को परेशानी में डाल सकते हैं। आज आप सारे रिश्तों और रिश्तेदारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे जहां जाकर आपको शांति प्राप्त होती है। आज आप महसूस करेंगे कि जीवन साथी के साथ की अहमियत कितनी है। आज का आपका शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है काला और नीला। नौकरी या बिजनेस में उत्पत्ति के लिए उपाय के तौर पर गुलाबी कांच की बोतल में पानी भरकर सूर्य की किरणों में रखें, फिर उस पानी को नहाने वाली पानी में मिलाकर स्नान करें। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। झगड़ालू स्वभाव को काबू में रखें, नहीं तो रिश्ते में कभी ना मिटने वाली खटास पैदा हो सकती है। इससे बच्चों के लिए अपने नजरिए में खुलापन अपनाएं और पूर्वाग्रह को छोड़ें। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए आपको कुछ नए दोस्त मिल सकते हैं। अपनी दीवानगी को काबू में रखें, नहीं तो ये आपके प्रेम संबंध को मुश्किल में डाल सकती है। आपको आपके कठिन परिश्रम का पुरस्कार मिलेगा क्योंकि आपके प्रमोशन होने के संकेत हैं। आर्थिक लाभ के बारे में ना सोचें क्योंकि आगे चलकर आपको इससे बहुत फायदा होगा। सेमिनार और प्रदर्शन आदि आपके नए विचारों में वृद्धि करेंगे। किसी खूबसूरत याद के कारण आपके और आपके जीवन साथी के बीच की अनबन रुक सकती है, इसलिए वाद विवाद की हालत में पुराने दिनों की यादों को ताजा करना ना भूलें। आज का आपका शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर बता दें कि विधवाओं की मदद करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं तुला राशि की। ख्याली पुलाव पकाने में वक्त जाया ना करें, सार्थक कामों में लगाने के लिए अपनी ऊर्जा बचा कर रखें। कुछ लोग ऐसी किसी भी योजना में रुपये लगाने के लिए तैयार होंगे जिसमें संभावना नजर आए और विशेष हो। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेल जोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबाए हुए था खत्म हो चुका है, क्योंकि जल्दी ही आपको आपके जीवन साथी मिलने वाला है। जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे वो आपको आंखों के सामने ही नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। आज किसी से भी अपने मन की बात कहने में घबराए नहीं। मुमकिन है कि आपके माता पिता आपके जीवन साथी को कुछ शानदार आशीर्वाद दे दें जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में और निखार आ जाए। आज का आपका शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर मिट्टी की गुल्लक में सिक्के डालें और उसके भर जाने पर किसी तीर्थ या बच्चों को दे दीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। खुद को उत्साहित बनाए रखने के लिए अपनी कल्पनाओं में कोई खूबसूरत और शानदार तस्वीर बनाएं। आपको कमीशन या रॉयल्टी के जरिए फायदा होगा। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वो आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, चाहे आपने इसके लिए कुछ भी क्यों ना किया हो। अपने प्रिय से कुछ भी तल्ख कहने से बचे, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ये उन उम्दा दिनों में से एक होगा जब कार्य क्षेत्र में आप अच्छा महसूस करेंगे। आज आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका बॉस भी आपके काम से खुश होगा। कारोबारी भी आज कारोबार में मुनाफा कमा सकते हैं। हितकारी ग्रह कोई ऐसे कारण पैदा करेंगे जिनकी वजह से आज आप खुश महसूस करेंगे। जीवन साथी की ओर से मिले तनाव के चलते सेहत पर बुरा असर पड़ना मुमकिन है। आज का आपका शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर प्रेमी या प्रेमिका को व्हाइट डक्स का जोड़ा गिफ्ट देने से आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। अपने जीवन को चिरस्थायी ना माने और जीवन के प्रति सजगता को अपनाएं। आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को दिया गए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं या फिर किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। पड़ोसियों से झगड़ा आपका मूड खराब कर सकता है, लेकिन अपना आपा ना खोए, इससे सिर्फ आग और भड़केगी। अगर आप सहयोग ना करें तो कोई आपसे नहीं झगड़ सकता। सबसे अच्छा रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करें। अपने साथी को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने से बचें। कार्य क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। आज इस राशि के कुछ छात्र लैपटॉप या टीवी पर कोई मूवी देखकर अपना कीमती समय जाया कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में चीजें हाथ से निकलती हुई मालूम होंगी। आज का आपका शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफेद। उपाय के तौर पर प्रेमी या प्रेमिका को लाल या नारंगी कोई भी वस्तु गिफ्ट करिए, इससे आपकी लव लाइफ बढ़िया चलेगी।
बात करते हैं मकर राशि की। आज आपको कई दिक्कतों और मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, जिस वजह से आप झुंझलाहट और बेचैनी महसूस करेंगे। इस राशि के कुछ लोगों को आज जमीन से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर धन खर्च करना पड़ सकता है। घरेलू मोर्चे पर समस्या खड़ी हो सकती है, इसलिए तोल मोल कर ही बोलें। काम के दबाव के चलते मानसिक उथल पुथल और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिन के उत्तरार्ध में ज्यादा तनाव ना लें और आराम करें। आईटी से जुड़े लोगों को अपना जौहर दिखाने का मौका मिल सकता है। आपको कामयाबी पाने के लिए केवल काम पर एकाग्र होकर जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है। आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किए जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करते हैं, लेकिन उन कामों को कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। जीवन साथी की ओर से मिले तनाव के चलते सेहत पर बुरा असर पड़ना मुमकिन है। आज का आपका शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है क्रीम और सफेद। उपाय के तौर पर किचन में बैठकर खाना खाएं, इससे प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। बात करते हैं कुंभ राशि की। आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है, लेकिन अपने उत्साह को काबू में रखें, क्योंकि ज्यादा खुशी भी परेशानी का सबब बन सकती है। घर के जरूरी सामान पर धन खर्च करके आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी। जिंदगी की हकीकत का सामना करने के लिए आपको अपने प्रिय को कम से कम कुछ वक्त के लिए भूलना पड़ेगा। अन्य दिनों की अपेक्षा आज आपके सहकर्मी आपको अधिक समझने की कोशिश करेंगे। यात्रा के दौरान आप नई जगहों को जानेंगे और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। हंसी मजाक के बीच आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई पुराना मुद्दा उभर सकता है, जो फिर वाद विवाद का रूप भी ले सकता है। आज का आपका शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा और फिरोजी। धन लाभ के लिए उपाय के तौर पर उगते हुए सूर्य को देखते हुए 11 बार ओम का उच्चारण करें। आगे चलते हैं और बात करते हैं मीन राशि की, यानी कि आखिरी राशि की। आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा दिन नहीं है और आप छोटी छोटी बातों पर झुंझुलाएंगे। वैवाहिक दाम्पत्यों को आज अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। आपकी ज्ञान की प्यास आपको नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। दोस्तों से संभल कर बात करें, क्योंकि आज के दिन दोस्ती में दरार पड़ने की आशंका है। आप अपने मातहतों से नाखुश हो सकते हैं, क्योंकि वे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बेहतरीन दिन है। जीवन साथी की वजह से आपकी कोई योजना या कार्य गड़बड़ हो सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें। आज का आपका शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है केसरिया और पीला। उपाय के तौर पर मिट्टी की गुल्लक में सिक्के डालें और भरने पर किसी तीर्थ या बच्चों को दे दीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो भी हो चला है खत्म। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, इस पर कॉमेंट करना है और इसे शेयर जरूर करना है। दोस्तों, मैं कल फिर लौटूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं तान्या यादव आप सभी से लेती हूँ इजाजत। धन्यवाद। For regular updates, follow our Instagram page right now.